वारी गलत बात है। चलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 4 कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर लिखना सीख रहे थे, मतलब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप लिख रहे थे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ 3 से 4 क्वेश्चन, सही है? उन क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं, नोटबुक देना भाई। कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, देखो हम लोग नाम लिखते हैं कंपाउंड्स का। तो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया गया था, एक इस तरीके से आपके पास एक कंपाउंड था और इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना था। आप वेरीफाई करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओगे, क्लियर है क्या? आप चेक कर लेना कि आपका ये नाम सही है या गलत है और आपने क्या मेथड यूज किया वो हम लोग चेक करना है, ठीक है क्या? यहाँ पे हम लोग बात करें, कभी भी आप किसी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते थे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ब्रांच कार्बन को चेक करते थे। किसको चेक करता था बेटा? ब्रांच कार्बन। और ब्रांच के बाद हम लोग चेक करते थे क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले क्या चेक किया आपने? ब्रांच। ब्रांच के बाद क्या चेक की? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद हम लोग बात कर रहे हैं लिंकेज, और लिंकेज के बाद हम लोग बात करते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप, सही है क्या? और यहाँ पे कभी भी आप नाम लिखते हो तो एक सिंपल रूल होता है कि सबसे पहले सर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो। किसको सिलेक्ट करो? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पे आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है या नहीं है? और यहाँ पे आप नोटेशन में काउंट कर रहे हो कि आपके पास ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करो 5। यहाँ पे भी आप काम कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 5। किसी भी लॉन्ग चेन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, भाई दोनों 5 कार्बन की है, दोनों कितने कार्बन की है 5 कार्बन की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से यदि हम लोग नंबरिंग दे तो नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सर आपकी जो ब्रांचिंग है वो नजदीक पड़े। यही तो सीखा था कि पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या रखना है, नंबरिंग रखनी है। और नंबरिंग किस तरीके से कि आपकी ब्रांच कार्बन गेट लोवेस्ट नंबर, सही है क्या? तो यहाँ पे आप नंबरिंग करो तो 1 2 3, यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हो। तो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं यहां से 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या आएगा 5, सही है क्या? इसे आपने क्या की इसकी नंबरिंग। नंबरिंग के बाद सारा काम अपना हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गई, नंबरिंग दी गई, अब आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप सोचो, 2 कार्बन की एक ब्रांच है जिसको आप इथाइल ग्रुप कहते हो। अरे भाई 2 कार्बन है जी, ब्रांच में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इथाइल। 1 कार्बन आती थी तो मिथाइल, 3 आएंगी तो प्रोपाइल, 4 आएंगी तो ब्यूटाइल, जिसको आप अल्काइल ग्रुप कहते थे। आप 11th में बढ़ा भी होगा कुछ परसेंट, सही है? तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये आपका क्या आएगा बेटा? इथाइल। कितने इथाइल है? 2। कौन सी कार्बन पे? 3rd कार्बन। तो क्या आप इसका नाम लिखोगे? तो कैसे लिखोगे? तो मैं लिखूंगा सर 3, एक बार 3 तो 1 इथाइल के लिए, सर दूसरी बार 3 दूसरे इथाइल के लिए, तो 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे 3 3 डाई इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 3 3 डाई इथाइल। कितनी कार्बन है? ब्रांच का काम खत्म बेटा। ब्रांच के बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितनी है? 5। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। अब कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन। मेरे हिसाब से सबका सही होना चाहिए, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। क्लियर है बेटा? अब देखो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल था, एक ऐसे करके आपने एक एग्जांपल दिया गया था, सही है क्या? तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ये पढ़ाया गया था। तो लॉन्गेस्ट चेन बोलो, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब कार्बन है भाई। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, आना भी चाहिए आप लोगों को। तो आप लॉन्गेस्ट चेन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं? तो 4 कार्बन की आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी, ये आपकी पेरेंट चेन होगी, हो गई। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग कैसे देनी है कि आपकी लोवेस्ट कार्बन गेट्स, मतलब जो ब्रांच कार्बन गेट्स लोवेस्ट नंबर, सही है क्या? जो ब्रांच कार्बन है उसको क्या, उसका नंबर क्या होना चाहिए? लोवेस्ट। तो यहां पे काउंट करो, देखो 1 2 पे ब्रांच है, सर यहां से स्टार्ट कर दो, 1 2 पे ब्रांच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन पेरेंट चेन में आ गई। अब ब्रांचिंग देखो, 2 पे मिथाइल ग्रुप है क्या? 3 पे इथाइल, मिथाइल या इथाइल? मिथाइल। कितने मिथाइल है? 2।
तो कौन कौन सी कार्बन पे? एक तो सेकंड पे, एक आपका थर्ड पे, एक तो टू पे है, दूसरा को उस पे है थर्ड पे, तो क्या लिखेंगे? 2,3-dimethyl या इथाइल, मिथाइल, तो क्या लिखा गया? 2,3-dimethyl। कितनी कार्बन है? चार, चार के ब्यूट, ब्यूट। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड चेक करेंगे कौन सी कार्बन पे है, सेकंड कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट टूइन, ये इसका नाम हो जाएगा, 2,3-dimethyl ब्यूट टूइन। सबका सही है, आगे बढ़े। फिर आपने कुछ एग्जाम्पल और चेक किए थे, देखो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पे, आपको इसका नाम लिखना है, राइट, ऐसा एक मॉलिक्यूल आपके पास, तो इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट करो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो नंबरिंग मैंने आपको कहा था कि कभी भी आप नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग इस तरीके से करना कि आपका फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट नंबर, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट लोवेस्ट नंबर, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है आपकी जो ब्रांच कार्बन है या जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट कहते थे गेट लोवेस्ट नंबर। सीक्वेंसिंग क्लियर है? यदि आपका फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप क्या आना चाहिए? लोवेस्ट नंबर पे। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल ट्रिपल लोवेस्ट नंबर, और वो भी नहीं है तो ब्रांच। तो यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप गिवन है क्या? यस सर, कौन सा? कीटोन। तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, ये आपका लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए, तो नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है क्या? ब्रांच है क्या? कौन सी कार्बन पे? फोर कार्बन पे। कितने कितनी कार्बन? दो। तो कितने मिथाइल? दो मिथाइल, समझ आ रहा है ना? तो नाम क्या हो जाएगा? फोर फोर बेटा, दो बार फोर, तो क्या देगा? 4,4-dimethyl, समझ आ रहा है? क्या बोलेंगे? 4,4-dimethyl। फिर उसके बाद का ब्रांच का काम खत्म, ये ब्रांच नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, कहीं इसको ब्रांच कंसीडर कर लो, सही है क्या? क्या देगा? 4,4-dimethyl। कितनी कार्बन है? 6 के लिए हेग्स, कार्बन कार्बन लिंकेज सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये तो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ब्रांच फिर कार्बन फिर लिंकेज फिर फंक्शनल ग्रुप, पहले ब्रांच देखी उसका नाम लिखा, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखी उसका नाम लिखा, फिर हम लोग लिंकेज की बात कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल है, कार्बन कार्बन डबल है या कार्बन कार्बन ट्रिपल है। कार्बन कार्बन सिंगल होगा तो एन, डबल होगा तो एन, ट्रिपल होगा तो आयन, समझ आ रहा है? तो यहां से हम लोग काउंट करेंगे हेग्स एन ना, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं यहां पे क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप बेटा, क्या आएगा? और फंक्शनल ग्रुप कौन सी कार्बन पे है? थर्ड पे। भाई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफाइन करोगे या नहीं करोगे? कौन सी कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे। तो क्या आएगा? कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन। क्या यूज करेंगे बेटा? ऑन। तो नाम क्या हो जाएगा? 4,4-dimethyl hexane 3-ol। अब मैंने आपको कहा था कभी भी सर एन सर इन सर आयन, वेरी गुड, इनके बाद कोई भी वोवल आता है और या फिर वाई आता है तो हम लोग इनका ई हटा देते हैं, सही है क्या? तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए एन, यहां पे क्या आएगा? ई एन, यहां पे आएगा वाई एन, सही है क्या? कभी भी एन इन और आयन के बाद क्या आता है? कोई भी वोवल आता है या फिर क्या आता है? वाई आता है, तो हम लोग उनका क्या हटा देते हैं बेटा? ई, समझ आ रहा है? तो यहां से आपके पास देखो एन के बाद ठीक वोवल है क्या? तो यहां से इसका क्या हटा देंगे? ई, उसका थोड़ा ना हटेगा, क्लियर है क्या? डबल बॉन्ड तो एज इट रहा ना, तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा क्या? 4,4-dimethyl hexane 3-ol, ये नाम आ जाएगा ना, क्लियर है क्या बेटा? हो जाएगा। उसके बाद एक आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल था, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग एक तरीके से, देखो एक मॉलिक्यूल आपको गिवन था इस तरीके से, चलो यहां से हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपका डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए, ऐसे ही पढ़ा था।
तो लॉन्गेस्ट चेन चेक करते हैं। चलो बताओ मुझे, एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, सिलेक्ट करते हैं। चलो ऐसे कुछ आएगा, नंबरिंग देते हैं, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन, सही है क्या? नंबरिंग किस तरीके से देनी है कि आपका डबल बॉन्ड लोवेस्ट पोजीशन पे है। भाई पहले किसको देखते हैं, डबल बॉन्ड को, फिर किसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, है ना। अभी यहां पर नंबरिंग देनी है तो मुझे बताओ, वन टू थ्री, थ्री पे यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, सर यहां से चेक करेंगे, वन टू थ्री, थ्री पे डबल बॉन्ड आ रहा है। भाई हम लोग कहीं से भी नंबरिंग करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो आपको किसको भी काउंट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां से नंबरिंग करता हूं तो वन टू पे सब्स्टिट्यूएंट किस पे है बेटा, टू पे, तो यहां से नंबरिंग जाएगी टू थ्री फोर फाइव सिक्स, समझ आया। सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल है, फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल है, तीन मिथाइल हो गए क्या, क्या आएगा, ट्राई मिथाइल। कौन कौन सी कार्बन पे बोलो, सेकंड कार्बन पे है सर, थर्ड कार्बन पे है और फोर्थ कार्बन पे, सही है क्या। कौन कौन सी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसको यहां पे हम लोग बोलेंगे टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल, क्या बोलेंगे, टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल, जैसे आनो। सॉरी अपने पास ब्रोमीन भी है बेटा, तो यहां पे हम लोग पहले लिखेंगे, तो इसका जो नाम आएगा वो हम लोग लिखेंगे क्या, कोई नहीं, यहां पे यदि आप काउंट करो तो इसका नाम क्या आएगा, चेक करते हैं। देखो पहले ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, तो नाम आएगा टू ब्रोमो, पहले ब्रोमो आएगा, वेरी गुड। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल, आप सही है, टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल, ब्रांच का काम खत्म हो गया बेटा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितनी है, छह, छह के लिए एग्स, नो हम लोग यूज करते हैं जब आपके पास दो डबल या एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, तो क्या यूज किया गया, एग्स। आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, थ्री, तो हेक्स थ्री इसका नाम हो जाएगा, समझ आया कुछ, तो नाम क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल हेक्स थ्री ईन, क्लियर है क्या। बाकी एग्जांपल चेक करें, बाकी तो सिंपल केसेस थे मेरे हिसाब से, सबके हो गए होंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सारा एग्जांपल का ही रोल है, एग्जांपल क्लियर है तो नॉर्मन क्लेचर क्लियर है, एग्जांपल नहीं आता तो नॉर्मन क्लेचर नहीं आएंगे। स्टार्ट करते हैं, देखो आपके पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, तो इसका नाम बताओ, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी नाम लिखो बेटा इनके, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल हैं जो बार बार यूज आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्राई करना, आपको ज्यादा लंबा थोड़ा काम नहीं है, सीधी सीक्वेंसिंग देखनी है और ये बार बार हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पे एक ही कार्बन है, कोई ब्रांच है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथ, कार्बन कार्बन सिंगल होता है तो एन ई पहले ही हटा रहा हूं, तो ओएल, क्या नाम हो जाएगा, मिथेनॉल। यहां से नंबरिंग करेंगे तो वन टू, दो ही कार्बन है बेटा, और नंबरिंग ऐसे देनी है कि फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट नंबर, फंक्शनल ग्रुप क्या आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। तो यहां पे नाम हो जाएगा इथेन, दो कार्बन है, ब्रांच नहीं है, सही है क्या, और क्या आ जाएगा, वन ऑल, तो नाम हो जाएगा इथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा, आसान है। तो यहां पे आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, कितने कार्बन की है, एट, तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन की है, कहा था कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन आपके पास होनी चाहिए। और नंबरिंग कैसे दोगे कि आपका फंक्शनल ग्रुप गेट लॉवेस्ट नंबर, भाई यहां से नंबरिंग दो वन टू पे,
यहां से नंबरिंग दे रहा हूं तो वन टू पे आपका फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट नंबर पे है या नहीं, लेकिन या आप लेफ्ट साइड से करो या फिर आप राइट साइड से करो। तो यहां पे नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री, थ्री पे वो फंक्शन, टू पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई ब्रांच है आपके पास भाई? कोई भी ब्रांच नहीं है तो क्या नाम लिखेंगे? डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम से बोलो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितनी है? तीन के लिए प्रॉप, तो तीन के लिए नाम लिखा गया प्रॉप। सही लिख रहा हूं, तीन के लिए क्या नाम लिखा गया? प्रॉप। प्रॉप के लिए फिर उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर क्या लिखा जाएगा? टू ऑल। अब देखो अल्फाबेटिकल में वोवल आते हैं तो ई हटा देंगे, किसको हटा देंगे? ई को, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। समझ आ रहा है? इसका नाम बताओ शाबाश। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, ऐसे चेन ले सकता हूं क्या? क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी ले सकते हो, लंबी चेन होनी चाहिए थ्री कार्बन की। सही है बेटा, थ्री कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपके पास। तो यहां पर सिलेक्ट करते हैं वन टू थ्री, दो पे ब्रांच है क्या? अरे भाई दो पे ब्रांच है तो क्या लिखेंगे? टू मिथाइल। सर दो पे ब्रांच है और ब्रांच में मिथाइल है तो लिखा गया टू मिथाइल। जैसे आनो, अरे सिस्टम से चलते ना भाई, ब्रांच का काम खत्म, उसके बाद क्या देखना था? नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितनी है? तीन के लिए प्रॉप, ये भी खत्म हो गया। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए एन। फंक्शनल ग्रुप टू पे तो क्या आ जाएगा? टू ऑल अल्कोहल, ई हट जाएगा। एक ही तो मिथाइल ग्रुप है। अरे भाई लॉन्गेस्ट चेन के बाद तो एक ही ब्रांच बची ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, गलती की गुंजाइश ना। कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबको डाल सकते हो, आसान है। देखते हैं अभी किस किस का सही आता है, ट्राई करते रहो, हो सकता है अच्छा आएगा, नहीं आएगा तो और भी अच्छी बात है, और आ गया तो उसके कहने ही क्या। अल्कोहल के सारे केसेस हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा, सिंपल केस। एक बार आपको लिखना आ गया मेरे हिसाब से आसान हो जाता है भाई, क्या देखना है पहले, किस तरीके से अप्लाई करना, वो क्लियरिटी है तो आपको सारी क्लियरिटी है। क्लियर है? तो यहां पे अप्लाई करते हैं। चलो फर्स्ट केस को बताओ मुझे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। तो हम लोगों को कार्बन चेन इस तरीके से सिलेक्ट करने कि आपका फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन चेन में आए, चाहे वो एक दो कार्बन कम क्यों ना हो, ध्यान रखना। अब क्या करना है? तो यहां पे हम लोग काउंट करें, देखो वन टू, टू पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है तो नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सही लिख रहा हूं बेटा? अरे आसान है। तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो क्या आएगा? थ्री फोर डाइमिथाइल, तीन कार्बन है छह कार्बन है, छह के लिए हेक्स, तो क्या आएगा? थ्री फोर डाइमिथाइल हेक्स। फिर आपके पास थ्री पे डबल बॉन्ड है तो इन, और टू पे ऑल, तो यहां पे ई हट जाएगा। समझे? अरे फिर ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, तो इंक्लूडिंग चेन छोटी हो जाएगी तो उसमें चेन मंड तो रही है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होता हो। देखो ऐसा केस आ सकता है, देखो ये केस मैं बता रहा हूं इधर, इसी चीज के लिए मैंने आपको समझाया। मान लो मैं आपको कहता हूं कि आप इतनी ही चेन सिलेक्ट करो तो गलत हो गया,
भाई चेन में कार्बन आ रहा है, पर मैं आपको कहता हूं कि ये पूरी चेन एक लंबी चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप फिर भी आ रहा है, तो आप तो कोई ऐसी चेन देखोगे ना जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो और चेन भी लंबी से लंबी हो, समझ आ रहा है ना। तो यहां से हम लोग उस चीज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, देखो। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है कि यहां पे आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है चेन में, नंबरिंग दो। अब देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, यहां से 1 2 3 भी डबल बॉन्ड आ रहा है बट फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। आपको नंबरिंग नंबरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, नंबरिंग ध्यान रखना है कि नंबरिंग इस तरीके से देनी है कि आपका फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट नंबर, सही है। तो यहां से हम लोग फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपके पास OH ना, सही है क्या। तो यहां से नंबरिंग देते हैं, बोलो 1 2 3 4 5 6 तो आपके पास अल्फाबेटिकल चेक करेंगे तो एक तो आपके पास ब्रोमो है, एक आपके पास मिथाइल है। भाई एक तो क्या आपके पास ब्रोमो, एक आपके पास क्या है मिथाइल, तो नाम लिखो बी पहले आएगा या एम, नाम बोलो साबस, 5 ब्रोमो 4 मिथाइल, ब्रांच का काम खत्म, नंबर ऑफ कार्बन छह के लिए हेक्स, फिर 3 in 3 all, समझ आ रहा है क्या, नहीं समझ आया। अरे भाई पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किए, आसान है, लॉन्गेस्ट चेन ली गई है भाई 6 कार्बन की, पहले ब्रांच का नाम देखेंगे, ब्रांच 5th पे BR है, 4th पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं, तो बी पहले आते हैं एम बाद में आता है, तो पहले बी का नाम लिखा, 5 पे ब्रोमो तो 5 ब्रोमो, फिर 4 पे मिथाइल 4 मिथाइल, ब्रांच का काम खत्म। फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम को देखा गया, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स, कार्बन का काम खत्म। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखा गया, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है 3 से, तो 3EN डबल बॉन्ड का काम खत्म। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH, तो OL अल्कोहल का काम खत्म, समझ आ रहा है। इसका नाम बोलो जल्दी, इसका आंसर से जानना चाहिए सबका, देखो भी बड़ा क्लियर आ रहा है सबको, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है ना बेटा ये, जान